बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने अपने तीसरे बाब का तीसरा चैप्टर हिजरत मदीना शुरू करना है। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हिजरत मदीना कैसे हुई, क्यों हुई और इसमें क्या क्या हुआ। दीन इस्लाम में हिजरत से मुराद अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने वतन को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना है। नबूवत के ऐलान के बाद 13 साल तक हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को मक्का मुकर्रमा में बहुत सताया गया। जब मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की रोशनी तेज़ी से फैलने लगी तो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। कफ़ार मक्का के लिए ये सूरत हाल परेशान कुन थी और इनकी तमाम तर मुखालफत के बावजूद इस्लाम की शायात में इजाफा हो रहा है। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आखिरी कदम उठाने का फ़ैसला किया। चुनाचे कुरैश के सरकर्दा लोग दारुल नदावा उनकी पार्लियामेंट थी जहाँ पर वो अहम मामलात पे बात करते थे, फैसले वगैरह करते थे। दारुल नदावा में जमा हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तदाबीर सोचने लगे। अबू जहल की तजवीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया। रात के बाद काफिरों ने आप सल्लम के घर का मुहासरा कर लिया। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का की साजिश की इत्तला हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए दी। साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा हिजरत का हुक्म दिया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़ीक अपने दोस्त रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा को राजदारी से आगाह किया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने सफ़र की तैयारी के लिए सवारी तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की कुछ अमानतें भी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को हुक्म दिया कि मेरे बिस्तर पर लेट जाएं और अगली सुबह लोगों को अमानतें वापस करके मदीना मुनव्वरा चले आएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए घर से निकले, अपने साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर हिजरत का सफ़र शुरू किया और मक्का मुकर्रमा से निकल कर गारे सोर में पनाह ली। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत के रस्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से ख्याल रखा। इसी दौरान में हज़रत अबू बकर सदीक के बेटे कुरैश की तमाम नकलो हरकत की खबर पहुँचाते रहे और हज़रत असमा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा खाना नेक्स्ट पेज ओपन करें खाना पहुँचाती रही। इस तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हा का पूरा घराना हिजरत के अमल में मावल रहा। अगली सुबह कुफारे मक्का हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को आप सल्लम के बिस्तर पर देख कर सख्त बरहम हुए। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी। साथ ही ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथी गिरफ्तार करके लाएगा इसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। इनाम के लालच में बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल खड़े हुए। चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करते करते गार के धाने पर पहुंच गए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेचैनी का इजहार किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। गार के धाने पर मकरी ने अल्लाह ताला के हुक्म से जाला बुन दिया जिसे देखकर कुफार वापस चले गए। गारे सोर में 3 दिन कैंप के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। सबसे पहले मदीना मुनव्वरा की नवाही बस्ती कुबा में क्याम फरमाया और वहाँ इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा तमीर की जिसे मस्जिद तक्वा भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसरब पहुँचे तो अहले यसरब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुरजोश इस्तकबाल किया। बच्चों ने खुशी के गीत गाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी, मस्जिद नबवी की तमीर फरमाई। मदीना मुनव्वरा की सूरत में मुसलमानों को एक मजबूत मरकज़ मिल गया और यहाँ से इस्लाम की तबलीग और शहादत का एक नया दौर शुरू हुआ। जी यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। हम लोग मशरक़ की तरफ आते हैं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ऐलान नबूवत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में क़याम फरमाया। 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 13 साल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सोर में क़याम किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 3 दिन। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफारे मक्का की साजिश की इत्तला दी। हज़रत जिब्राइल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इज़राइल, हज़रत इसराफ़ील, हज़रत जिब्राइल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के किस सरदार की तजवीज़ पर नाउज़ु बिल्लाह कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया। अबू लहब, अबू जहल, उतबा, वलीद, अबू जहल। नेक्स्ट पेज ओपन करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की पहली मस्जिद तमीर की सवा की पहाड़ी पर, मरवा की पहाड़ी पर, कुबा में, गारे सोर में, कुबा में। हिजरत के लफ्ज़ी मायने डैश के हैं।
अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना। थोड़ा लंबा है, मैं यहाँ ऊपर आपको लिख देती हूँ, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल होना। हिजरत के वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश की तलावत फरमा रहे थे। सूरह यासीन। दारुल नदावा कुरैश मक्का की डैश थी, फैसले की जगह याद लिख देती हूँ। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे डैश की तमाम नकल व हरकत की खबर पहुँचा रहे थे कुरैश। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना नरवा में डैश की बुनियाद रखी, इस्लामी रियासत। या साइड पर लिख देती हूँ। इस्लामी रियासत इस्लामी रियासत। शुक्र है थोड़ा सा शो हो रहा है, ये आप लिख लें इस्लामी रियासत जी। मुख्तसर जवाब तहरीर करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के मौके पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या हुक्म दिया? इसके लिए आपको अपनी रीडिंग के फर्स्ट पेज पे आना होगा। जी यहाँ पे आप देखें, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया मेरे बिस्तर पर लेट जाएं और अगली सुबह लोगों की मानते वापस करकर मदीना मुनव्वरा चले आएं। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका फर्स्ट शॉट। जी दूसरा शॉट है हिजरत मदीना के दो असबाब बयान करें। हिजरत मदीना के दो असबाब के हिजरत मदीना क्यों करनी पड़ी, फर्स्ट पेज पे आएं। जी यहाँ पे मैं लाइन अंडरलाइन कर देती हूँ, आप वो देख लें और उसको आपने ना पॉइंट में लिख देना, ठीक है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों को मक्का मुकर्रमा में बहुत सताया गया, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी आप पॉइंट का निशान लगाएं, मैं आपको बताती हूँ आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना। फिर दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तदाबीर सोचने लगे और अबू जहल की तजवीज़ पर आप सल्लम को नाउज़बिल्ला कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया, ये दूसरा पॉइंट। अच्छा अब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ये दो पॉइंट लिखने से पहले आपने ऊपर लिखना है शॉर्ट स्टार्ट करने से पहले, हिजरत मदीना के दो असबाब दर्द ज़ेल हैं। हिजरत मदीना के दो असबाब दर्द ज़ेल हैं।
उसके बाद आपने ये वाला पॉइंट लिख देना है और दूसरा ये वाला पॉइंट लिख देना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। और ये वाला शॉर्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा गौर से सुने। इस शॉर्ट को शुरू करने से पहले आपने ऊपर लाइन में लिखना है हिजरत मदीना के दो असबाब दर्द जेल हैं। हिजरत मदीना के दो असबाब तो आपको ऊपर सवाल से ही मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना आगे आपने दर्द जेल हैं लिखना है, फिर नंबर वन की हेडिंग देनी है, मतलब साइड पे लाइन के पीछे वन लिखना है, और फिर ये लाइन लिखनी है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथियों का मक्का मुकरमा में बहुत सताया गया। फिर दूसरी जगह पर आपने दूसरा पॉइंट लिखना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तदबीर सोचने लगे और अबू जहल की तजवीज़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्ला कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। ये आपका हो गया सेकेंड शॉर्ट। अब वापस पेज पे आए, जी ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है हिजरत मदीना के दो असबाब, इसके आगे आपने लिख देना है दर्द जेल है। मैं आपको लिख देती हूँ और आपने आगे वो दो पॉइंट लिख देने जो मैंने आपको निशान लगवाए हैं, दर्द जेल है, ठीक है, ये आपने आगे लिख देना है। उसके बाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सदीक़ को किन अल्फाज़ में तसल्ली दी, इसके लिए आपको रीडिंग के पेज नंबर 2 पे जी हज़रत अबू बकर सदीक़ ने यहाँ से नबी अकरम से अपने बेचैनी का इजहार किया, तो नबी अकरम सल्लम ने फरमाया कि गम ना करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड शॉर्ट का आंसर। जी वाह, अपने फोर्थ शॉर्ट पे आए, कुफारे मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सदीक के हवाले से क्या ऐलान किया, इसके लिए आपको अपने पेज के रीडिंग के सेकंड पेज पे आना है। जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका आंसर किधर है। इन्होंने ऐलान किया कि जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथी को गिरफ्तार करके लाएगा उसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे, ठीक है। आपने ये लाइन लिखनी है और इस लाइन से पहले ये लिखना है कि उन लोगों ने ये ऐलान किया कि जो शख्स जो ये जो शख्स लिखा हुआ है ना, इससे पहले आपने लिखना है कि उन लोगों ने ये ऐलान किया कि जो शख्स आप सलम को और इनके साथी को गिरफ्तार करके लाएगा इसे 100 ऊँट इनाम दिए जाएंगे। ये आपका शॉर्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। जी आपका फर्स्ट लॉन्ग है हिजरत मदीना में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का किरदार वजाहत करें। अपनी रीडिंग के फर्स्ट पेज में जी यहाँ से शुरू करने, रात के वक्त काफिरों ने आप सल्लम के घर का मुहासरा कर लिया, तो अल्लाह ताला ने ये वाला पूरा पैराग्राफ तैयार करना है आपने पहले। यहाँ से शुरू करने नेक्स्ट पेज पे आए, यहाँ पर वो पूरा पैराग्राफ हो गया पहले वाला सेकंड वाला, और यहाँ तक आपने लिखना है कि उनका पूरा घराना हिजरत के अमल में मुआवन रहा, ठीक है। ये सारा उनके बारे में किरदार के बारे में हो गया। दोबारा सुन लें, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपने ये लॉन्ग स्टार्ट करना है रात के वक्त से लेके उस पेज पे मुआवन रहा था, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट शॉर्ट। अब आप सेकेंड शॉर्ट लॉन्ग हो गया, अब आप सेकेंड लॉन्ग की तरफ आएँ। जी आपका सेकंड लॉन्ग है हिजरत मदीना के नताइश तहरीर करें, इसके लिए आपको अपनी रीडिंग के सेकंड पेज पे आना होगा। इधर है आपका आंसर, जी ये आपने लोगों ने ये वाला पहला पैराग्राफ पूरा लिख देना है यहाँ से लेके यहाँ तक, बस एक लाइन आपने ऐड करनी है, हिजरत के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे तो, बल्कि रहने दें, आप लाइन ऐड करें, आप बस ये पैराग्राफ लिख दें, ठीक है। ये आपका सेकंड लॉन्ग भी अटैम्प्ट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, फर्स्ट लॉन्ग भी आपको समझ आ गया होगा,
आपने वो कैसे स्टार्ट करना है, वो आपने एक रात से स्टार्ट करना है। आपके फर्स्ट पेज पे आपका ये सेकंड पैराग्राफ है, जी आपका ये सेकंड पैराग्राफ है, आपने इसको वहाँ से स्टार्ट करना है। फर्स्ट पेज पे रात के वक्त काफिरों से सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करना है, और थर्ड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में जो पहली लाइन ख़त्म हो रही है, हिजरत के अमल में मावन रहा, पूरा खान घराना हिजरत के अमल में मावन रहा, वहाँ तक, ठीक है। और ये आपका हो गया सेकंड लॉ। आई होप कि आपको इस लेक्चर में सब समझ आ गया होगा, आप लोगों ने सारे पॉइंट पिक कर लिए होंगे। अब जो मैंने आपको बताया है इसमें, इस वाले चैप्टर में जो उनसे शॉर्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, और लॉन्ग सेकंड वाला, क्योंकि इसमें उसके नतीजे हैं और हिजरत मदीना भी एक बहुत अहम वाक़िया है। तो आपने इस चैप्टर की रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है। जो मुश्किल वर्ड थे मैंने आपको उसका मतलब बता दिया है, और आपको सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दी है। इंशाल्लाह ताला आप, उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। आप सब अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।